हेलो फ्रेंड्स, जय जिनेन्द्र। मैं कविता जैन, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। वेलकम टू माय चैनल कविताज क्रिएटिव क्रिएशंस। मैं आज आपके साथ बटर स्कॉच क्रंच की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग रेसिपी है ये और बनाना भी बहुत इजी है। बटर स्कॉच क्रंच का इस्तेमाल हम केक और आइसक्रीम की टॉपिंग के लिए करते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास वाले बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। बटर स्कॉच क्रंच बनाने के लिए सबसे पहले हम एक पैन में 1.5 कप चीनी लेंगे। गैस का फ्लेम हम लो टू मीडियम रखेंगे। लो टू मीडियम फ्लेम पर ही हमें इसे मेल्ट होने तक लगातार चलाना है। पानी का इस्तेमाल हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। 4 से 5 मिनट में ये अच्छे से मेल्ट हो जाएगी, बस लगातार आपको इसे चलाते रहना है। जैसे जैसे चीनी मेल्ट हो जाएगी अच्छे से ये एक लिक्विड फॉर्म में आ जाएगी। देखेंगे कि 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और चीनी भी अच्छे से मेल्ट होने लगी है। स्टार्टिंग में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन एक बार जब ये अच्छे से मेल्ट हो जाती है तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता। आप देखेंगे कि चीनी अच्छे से मेल्ट हो चुकी है और जैसे ही ये मेल्ट होती है हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। इसमें अब हम डालेंगे 1 छोटा चम्मच बटर। बटर को भी हम इसमें अच्छे से मेल्ट कर लेंगे। गैस का फ्लेम हमें ऑफ ही रखना है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 कप चॉप किए हुए बादाम। बादाम को हमें इसमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। चीज़ें इसमें अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं, अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। जिस प्लेट में हम इसे निकाल रहे हैं उसे मैंने पहले ही बटर से ग्रीस कर लिया है। अब हम इसे प्लेट में अच्छे से सेट कर देंगे। ये अच्छे से सेट हो चुकी है, अब हम इसे 10 से 15 मिनट के लिए ऐसे ही रख देंगे। 15 से 20 मिनट हो चुके हैं और ये जो कैरामल क्रंच है अच्छे से ठंडा हो चुका है। अच्छे से ठंडा होने के बाद ही हम इसे डीमोल्ड करेंगे। हमें इस तरह से इसके छोटे छोटे पीस कर लेना है। अब हम इसे इस तरह से क्रश कर लेंगे। हमें इसे ज़्यादा बारीक नहीं करना है, बस इस तरीके से हमें इसे दरदरा कूट लेना है। बारीक करने से इसमें क्रंची टेस्ट नहीं आएगा। इस तरह से दरदरा पीस लेने से हम जब भी आइसक्रीम या केक में इस बटर स्कॉच की टॉपिंग करेंगे तो इसमें अलग ही क्रंची टेस्ट आएगा। इस तरह से हमारा ये बटर स्कॉच क्रंच तैयार हो चुका है। आप 6 महीने तक भी इसे स्टोर करके रख सकते हैं और बटर स्कॉच आइसक्रीम बनाने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको आज की ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं।